मैं आपका दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर संजीव गोयल एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल किड्स केयर पे आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही काम का वीडियो है। वह उन लोगों के लिए है जो अभी आइसोलेशन में गए हैं, जो सेचुरेशन अपनी चेक कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनकी सेचुरेशन 92 से नीचे जा रहा है और उनके फिजिशियन ने उन्हें बोला है कि आप घर पे ऑक्सीजन लगा सकते हो। तो घर पे कितनी ऑक्सीजन लगानी है ये आपके फिजिशियन आपको बताएंगे। सेकेंडली ये उन लोगों के लिए है जो ये हॉस्पिटल से छुट्टी ले चुके हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं लेकिन मिनिमम ऑक्सीजन के ऊपर, हॉस्पिटल वालों ने उन्हें मिनिमम ऑक्सीजन घर पे लगाने के लिए कहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर पे आपने किस तरह ऑक्सीजन यूज करनी है और किस तरह आपने जो फ्लो मीटर है उसको कैसे यूज करना है। ये अपने पास फ्लो मीटर है, आप इसको नजदीक से देखेंगे तो इसमें ये तीन पार्ट्स है। एक तो ये फ्लो मीटर है जिसमें आप देख रहे हैं, इसमें आपको जो सिलेंडर का ऑक्सीजन है प्रेशर है वो आपको पता चलता है। सेकंडली ये एक नॉब है जो ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए लगाई गई है। इसके अंदर एक ये वाटर रिजर्वायर है, एक बॉटल है पानी के लिए और उसके ऊपर एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक छोटी सी बॉल है जो आपको जब हम ऑक्सीजन लगाएंगे तब दिखाई देगी और इस ट्यूब के ऊपर ग्रेजुएशन है 1-2 से लेके, ये आप नजदीक से देखोगे तो 16 तक आपकी ग्रेजुएशन है। तो इससे पता चलता है कि ये 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन है, 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन है और ये 10 लीटर 12 लीटर और 16 लीटर तक पर मिनट ऑक्सीजन जाएगी। अब हम इस फ्लो मीटर को ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अटैच करेंगे। ये हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये तकरीबन 5.5-6 फीट का सिलेंडर आता है और ये डी टाइप सिलेंडर है। इसके अंदर तकरीबन 7000 लीटर ऑक्सीजन होती है, ये 2000 PSI प्रेशर के अंदर डाली जाती है, यानी कि बहुत ही हाई प्रेशर में इसमें ऑक्सीजन डाली जाती है। ये पेशेंट को जब हम लगाते हैं तो ये फ्लो मीटर के थ्रू जब हम देते हैं तो ऑक्सीजन पेशेंट को तकरीबन 50 PSI के ऊपर जाती है। अब हमने इसको अटैच करना है तो आपने क्या करना है, इसको इस पाइप में डाल लेना है और धीरे से हाथ से इसको घुमाना है। आपने की ले ली है, थिएटर की है जो, उसके साथ इसको टाइट कर देना, इसको इतना ही टाइट करना है, ज्यादा टाइट करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा ऑक्सीजन खुला है, इसको आपने पहले इसको नॉब को पूरी तरह बंद कर देना है। इस नॉब को बंद करने के बाद ये जो फ्लो मीटर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन है, जो सिलेंडर की ऑक्सीजन हमने यूज किया वो कितने, कितनी क्वांटिटी में ऑक्सीजन इसमें, कितने प्रेशर वाली ऑक्सीजन है। अब हम इसको जब ऊपर से, ध्यान रखें ऊपर से खोलने से पहले इसको फुली टाइट करना है, उसके बाद आपने ऊपर से इसको सिलेंडर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करके खोलना है। अब ये आपका सिलेंडर खुल चुका है और जब आप देखेंगे कि इसमें, जब हम इस नॉब को खोलेंगे तो ऑक्सीजन के ये बबल्स जो हैं वाटर में आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों हमने इसमें वाटर डाला है क्योंकि जब भी पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है हमने थ्रू वाटर देनी है, यानी कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देनी है। ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन का मतलब है नमी युक्त ऑक्सीजन देनी है, क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मली ड्राई होती है जो सिलेंडर में होती है। ये ड्राई ऑक्सीजन अगर हम पेशेंट को देंगे तो उसकी म्यूकोसल लेयर जो है, चाहे वो माउथ की है चाहे नोज की है, वो इंजर हो सकती है, उसमें ड्राइनेस आ सकती है, वहां से ब्लीडिंग हो सकती है। तो ध्यान रखें हमेशा जो ऑक्सीजन देनी है ऑक्सीजन वाटर के थ्रू आनी चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर में है वो इस रेगुलेटर के थ्रू, फ्लो मीटर के थ्रू वाटर में आ गई है और हमने ये ऑक्सीजन अब पेशेंट को लगा दी है। अगर हम नजदीक से देखेंगे तो अब हमारी ऑक्सीजन जो है 2 लीटर पे चल रही है। अब इसको देखेंगे ग्रेजुएशन, इधर से आप देखोगे बिल्कुल ट्यूब के पास से 2 लीटर, इसको हम बढ़ा सकते हैं 6 लीटर, ये 6 लीटर हो गई, 8 लीटर तक जा सकते हैं, 10 लीटर 15 लीटर, ये जितनी ऑक्सीजन, वैसे जो घर में आप आपको ऑक्सीजन के लिए आमतौर पर फिजिशियन आपके एडवाइस करते हैं वो मिनिमम ऑक्सीजन पे आपको घर भेजते हैं। अगर आपकी सेचुरेशन इसके बावजूद भी डाउन हो रही है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फिजिशियन से कंटिन्यूस कॉन्टेक्ट में रहें।
अब हम क्या करते हैं, जो मास्क वाली पाइप है वो इसके साथ अटैच कर देते हैं, इस बॉटल के साथ हम। तो अब ऑक्सीजन जो है इस मास्क में आ गई है और ये मास्क हम पेशेंट के इस तरह लगा देते हैं। अब 2 लीटर ऑक्सीजन मेरे शरीर में जा रही है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन डिलीवर करने का सिस्टम, यानी कि फ्लोमीटर एंड ऑक्सीजन। अब हमारे पास एक और भी सिस्टम है जो हम इस ऑक्सीजन सिलेंडर से यूज कर सकते हैं, वो है हमारे पास नेबुलाइजर। तो हम नेबुलाइजर को भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अटैच करके हम पेशेंट को नेबुलाइजेशन दे सकते हैं। जैसे ही हम इसमें दवाई डालेंगे तो और देखना है सिलेंडर से हम क्या कर सकते हैं। हम सिलेंडर से पेशेंट को नेबुलाइजर भी दे सकते हैं। जैसे अब आप देख रहे हैं कि मेरे हाथ में एक नेबुलाइजर का सिस्टम है जिसमें थोड़ी सी मेडिसिन डाली हुई है और हम ये वाली ट्यूब जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अटैच कर देंगे। जैसे ही हम इसके साथ अटैच करते हैं, अब हम दोनों चीजें पेशेंट को नेबुलाइजर, यानी कि अगर हम इसमें एस्थालीन या जो भी हमारा फिजिशियन एडवाइस करता है वो डाली हुई है, और साथ में हम पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन तेज करते हैं तो यहां से नेबुलाइजर शुरू हो जाता है। तो अब हमारी जो नेबुलाइजेशन है वो साथ साथ है लाइक दिस। अब क्या है, मेरे अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ मेडिसिन भी जा रही है। तो इस तरह हम ऑक्सीजन सिलेंडर से दो तरह के डिलीवरी ले सकते हैं। एक तो हम ऑक्सीजन डिलीवरी के काम आ सकती है सिलेंडर, और दूसरा हमारे लिए ये नेबुलाइजेशन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के भी हम नेबुलाइजर ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह नेबुलाइजर और ऑक्सीजन हम घर पे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप मैक्सिमम लोगों को ये शेयर करो। जो भी लोग घर पे ऑक्सीजन के लिए या जो भी लोग घर पे नेबुलाइजर के लिए बैठे हैं, उनके उनके लिए रिक्वेस्ट है कि ये घर पे सिस्टम आप यूज कर सकते हैं।